अमवार कन्हर डैम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के प्रभावित शुरू फेफसा भूमफोर गांव के ग्रामीणों के साथ राजस्व उप निरीक्षक ने पुनर्वास व विस्थापन के लिए सर्वेक्षण कर ग्रामीणों से चर्चा की। अंचल अधिकारी प्रकाश कुमार के निर्देश पर धुरकी प्रखंड क्षेत्र के खुटिया पंचायत अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी थाना अंतर्गत कन्हर तटीय सीमावर्ती क्षेत्र स्थित 3,500 करोड़ की लागत से निर्माण हो रहे अमवार कन्हर डैम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के प्रभावित धुरकी प्रखंड क्षेत्र में पड़ने वाले भूमफोर शुरू फेफसा गांव के ग्रामीणों के साथ मुखिया लक्ष्मण यादव व राजस्व उप निरीक्षक शशिकांत विश्वकर्मा ने गांव का सर्वे कर ग्रामीणों से चर्चा की। इस दौरान डूब प्रभावित क्षेत्र के दिव्यांग शिक्षित बेरोजगार युवक सरकारी भवन को चिन्हित करने और डूब क्षेत्र के रैयत किसान और ग्रामीणों को सुरक्षित और सार्वजनिक स्थल पर पुनर्वास करने के लिए विस्तृत रूप से ग्रामीणों से चर्चा की गई। वहीं इस संबंध में राजस्व उप निरीक्षक व मुखिया ने बताया कि यूपी के सोनभद्र जिले के अमवार में 3500 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहे कन्हर डैम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के प्रभावित गांव के वैसे ग्रामीण को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जा रहा है जो दिव्यांग हैं, पढ़े लिखे डिग्रीधारी शिक्षक तथा युवक बेरोजगार हैं और सरकारी भवन को भी चिन्हित करने के लिए यह सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रभावित और विस्थापित होने के बाद उक्त गांव के ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए सरकारी भवन बनाने हेतु उन्हें सुरक्षित रहने के लिए सरकारी भूमि का भी जांचोपरांत निरीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि शुरू भूमफोर फेफसा गांव के लोग कन्हर डैम सिंचाई परियोजना के निर्माण होने से पूरी तरह डूब क्षेत्र में समाहित हो जाएंगे। वहीं गत 3 वर्षों से गढ़वा जिला प्रशासन उक्त डूब क्षेत्र के प्रभावितों को मुआवजा देने के लिए निरंतर सर्वेक्षण और निरीक्षण का कार्य कर रहा है। उसके बाद भी उक्त डूब क्षेत्र के प्रभावित रैयतों और ग्रामीणों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। गौरतलब है कि उक्त डैम के निर्माण कार्य से पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर जिले के सनावल, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अमवार, सुंदरी सहित डूब क्षेत्र में पड़ने वाले सभी गांव के रैयतों और किसानों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिल चुका है।